चलिए, तो यहां पर टॉपिक लिखा हुआ है रोटर कॉपर लॉस। मैं कुलदीप शर्मा और हमारे कैमरे पर है किशन। तो रोटर कॉपर लॉस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एक तो होता है स्टेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा टारगेट नहीं है। और एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये हमने मान लिया कि ये हमारा एकदम बढ़िया क्या हो गया, एकदम बढ़िया ये हमारा रोटर हो गया। रोटर है तो रोटर में क्या हो गई, सिलोट। एकदम बढ़िया, ये रोटर में हमारी सिलोट हो गई, एकदम बढ़िया रोटर में सिलोट हो गई। रोटर मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर, उसमें स्टेटर और दूसरा रोटर। रोटर के अंदर क्या है, सिलोट, और सिलोट के अंदर यहां पर हमारी क्या है, वाइंडिंग। और वाइंडिंग किसकी बनी हुई है, कॉपर की। इन सिलोटों में वास्तव में थ्री फेज की वाइंडिंग है, इस सिलोट में वास्तव में थ्री फेज की वाइंडिंग है, और इस वाइंडिंग में होने वाला लॉस ही कॉपर लॉस है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, मोटर में स्टेटर, दूसरा पार्ट रोटर, ये रोटर की कोर, कोर के अंदर सिलोट, सिलोट के अंदर वाइंडिंग, और वाइंडिंग कितने फेज की, थ्री फेज की। वाइंडिंग किसकी बनी है, कॉपर की, उसमें होने वाला लॉस क्या है, कॉपर लॉस, यही हमारा टारगेट है। अब देखो, एक तो हम रोटर को इधर से अप्लाई कर रहे हैं इनपुट, और एक इधर से हमें मिल रहा है आउटपुट। यानी कि यहां पर हमारा है रोटर पावर इनपुट, और यहां पर हमें क्या मिल रहा है, रोटर पावर आउटपुट। रोटर जिसे हमें घुमाना है, उसे घुमाने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, पावर। और रोटर घूम जाता है तो हमें आउटपुट में भी क्या मिलती है, पावर। तो रोटर पावर इनपुट और रोटर पावर आउटपुट। तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर में अंतर जो है वो कॉपर लॉस का है। मतलब अगर हम बात करें रोटर कॉपर लॉस की, तो रोटर कॉपर लॉस वास्तव में होता है रोटर पावर इनपुट माइनस रोटर पावर आउटपुट। अरे भाई, रोटर है जो क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो रोटर की इनपुट पावर और आउटपुट पावर में किसका अंतर है, कॉपर लॉस का अंतर है। डन और नो डन? तो यहां पर लिखा हुआ है पावर, यहां पर क्या लिखा हुआ है, पावर। तो हम अब हमें आप एहसास करवाना चाहते हैं कि पावर क्या होती है, कि आखिर पावर है क्या। तो देखो, ये रोटर है ना, ये गोल वस्तु है, जैसे हमारी साइकिल का क्या है, पहिया। अब हम मान लीजिए साइकिल को चढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें एकदम बढ़िया क्या लगाते हैं, पैडल लगाते हैं। उस जो हम बल लगाते हैं ना, उस बल को कहते हैं टॉर्क। यानी कि वो बल जिसके कारण हमारा रोटर क्या कर रहा है, घूम रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क। और टॉर्क के कारण हमारा पहिया क्या कर रहा है, घूम रहा है, यानी हमें क्या मिल रही है, स्पीड। तो टॉर्क और स्पीड इन दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई पावर कहलाता है। अब ये क्या नाटक है, रोटर का पावर इनपुट और रोटर की पावर आउटपुट, इनमें इस अंतर है, उसे बोलते हैं रोटर कॉपर लॉस। अब हम आपको बता रहे हैं कि पावर किसे कहते हैं। ये हमारा रोटर है, इसको हमें घुमाना है, तो हम क्या लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं। जैसे साइकिल के पहिए को घुमाने के लिए हम बल लगाते हैं, तो ऐसे ही इस पहिए को घुमाने के लिए हम क्या लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं। और उसके बदले में पहिया क्या करता है, घूमता है। तो पावर का मतलब है घुमाने के लिए जो हमने टॉर्क लगाया और उसके बदले में जो हमें स्पीड मिली, इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, पावर। अब जैसे पिछले 5 लेक्चरों में हम कह चुके हैं, रोटर के चारों तरफ जो घूमता है वो घूमता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब रोटर के चारों तरफ जो घूमता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स घूमता है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स घूमता है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से पर घूमता है। अरे भाई, ये फलक्स है, ये जो फलक्स है जो रोटर के चारों ओर घूम रहा है, ये जो फलक्स है ये सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। मतलब हम इस रोटर को जो इनपुट दे रहे हैं वो कौन सी स्पीड से दे रहे हैं, सिंक्रोनस स्पीड पर हम इनपुट इस पर अप्लाई कर रहे हैं। मतलब रोटर का पावर इनपुट क्या होता है, टॉर्क और स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड माइनस। अब रोटर जो हमारा घूमता है, आपको पता है इसकी स्पीड तो सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, तो हमें आउटपुट मिलेगा टॉर्क इंटू क्या मिलेगा, स्पीड। डन और नो डन? ये हमारा रोटर कॉपर लॉस हो गया। अगर हम टॉर्क, अब आपको बताए टॉर्क, ये ओमेगा क्या होता है, 2 पाई
एन एस अपॉन क्या होता है 60। टोर्क के स्थान पर टोर्क, ये हमारा क्या हो गया 2 पाई एन अपॉन में क्या हो गया 60। ये हमारा क्या हो गया रोटर कॉपर लॉस। तो रोटर कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, हमने टोर्क भी बाहर ले लिया, 2 पाई भी बाहर ले लिया और 60 भी बाहर ले लिया, तो क्या बच गया, यहां पर बच गया एन एस और यहां पर क्या बच गया एन। डन और नॉट डन? अब देखो, बचपन से ही हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इंडक्शन मोटर तो स्लिप, इंडक्शन मोटर में जो स्लिप है बराबर होता है एन एस माइनस एन अपॉन क्या होता है एन एस। डन और नॉट डन? अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा एस और एन एस बराबर क्या हो जाएगा एन एस माइनस एन। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि एन एस माइनस एन है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एस एन एस। तो हमारा जो रोटर कॉपर लॉस है इक्वल टू क्या हो गया टोर्क और 2 पाई अपॉन 60 और ये एन एस माइनस एन है, एन एस माइनस एन है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एस और क्या लिख सकते हैं एन एस। डन और नॉट डन? अगर हम इस दुनिया में आगे चले तो रोटर कॉपर लॉस इक्वल टू क्या हो गया स्लिप को हम बाहर लेते हैं तो स्लिप और इसके बाद में क्या हो गया टोर्क 2 पाई एन एस, ये हो गया 2 पाई एन एस अपॉन क्या हो गया 60। तो हमारा जो रोटर कॉपर लॉस है वो क्या हो जाएगा एस इंटू टोर्क और 2 पाई एन एस अपॉन 60। टोर्क और 2 पाई एन एस अपॉन 60, देखो टोर्क और 2 पाई एन एस अपॉन 60, ये वास्तव में रोटर का पावर इनपुट है, ये वास्तव में रोटर का पावर इनपुट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये कि रोटर का कॉपर लॉस बराबर होता है एस इंटू रोटर पावर इनपुट। यस प्रभु, चलिए। तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये क्या कचरा कर दिया, अरे भाई 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो मोटर में घूमने वाला भाग कहलाता है रोटर और रोटर के चारों तरफ फ्लक्स घूमता है सिंक्रोनस स्पीड से, तो रोटर को जो हम इनपुट देते हैं ना वो सिंक्रोनस स्पीड से देते हैं। क्या इनपुट में देते हैं हम? पावर। अरे पावर क्या, हम बल लगाते हैं और उस बल को क्या कहते हैं टोर्क, और उसके कारण रोटर क्या करता है घूमता है। जैसे साइकिल के पहिए पर हम जबरदस्त क्या लगाते हैं पैडल, उससे हमारा पहिया क्या करता है घूमता है। तो जो हम बल लगाते हैं और बदले में वो घूमता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है पावर। यानी पावर होता है टोर्क और स्पीड, ये एंगुलर स्पीड है आपकी टोर्क और स्पीड, टोर्क की यूनिट न्यूटन मीटर। और ध्यान रखना ये दोनों ही मैकेनिकल पावर है, ये टोर्क इलेक्ट्रिकल नहीं है, स्पीड ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, मैकेनिकल पावर है। तो रोटर का पावर इनपुट यानी रोटर को जो हम इनपुट दे रहे हैं और रोटर को जो हमें आउटपुट मिल रहा है, इसमें केवल कॉपर लॉस का अंतर है। आप कहोगे आयरन लॉस कहां गया, तो हमने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में बताया। तो टोर्क और ये जो स्पीड है 2 पाई एन एस अपॉन 60, तो टोर्क बाहर ले लिया और 2 पाई अपॉन 60, तो क्या बचा एन एस माइनस एन। अब हमने आपको बताया स्लिप एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, तो ये एन एस माइनस एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं एस और एन एस, तो हमने एस और एन एस लिख दिया। तो फिर क्या हुआ, ये स्लिप तो बाहर आ गया, स्लिप तो बाहर आ गई, टोर्क के स्थान पर टोर्क 2 पाई एन एस अपॉन 60, 2 पाई एन एस अपॉन 60। अब ये जो हमारा है टोर्क और 2 पाई एन एस अपॉन 60, टोर्क और 2 पाई एन एस अपॉन 60, ये रोटर का पावर इनपुट है। तो हमने यह लिख दिया रोटर का पावर इनपुट। तो रोटर कॉपर लॉस बराबर क्या हो गया एस इंटू रोटर पावर इनपुट। ई मतलब ई एस ई इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है और मुझे जहां तक याद है वो क्वेश्चन ये है कि रोटर है उसका पावर इनपुट आप मान लो 600 वाट है, ऐसी वैल्यू दे रखी है 600 की लाइन में ही है वो रोटर है, उसका जो पावर इनपुट है वो कितना है 600 वाट है, और कहता है कि जो स्लिप है ना उसका मान 0.04 है। तो रोटर कॉपर लॉस बताएं, तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, रोटर कॉपर लॉस बराबर एस, एस की वैल्यू कितनी है 0.04 इंटू रोटर पावर इनपुट कितना है आपका 600, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.8 × 0.00 कैंसिल 24 वाट, ये रोटर में होने वाली क्या है कॉपर लॉस। यस टू, अब हमें पता है कि रोटर का पावर आउटपुट यानी रोटर से जो हमें आउटपुट में मैकेनिकल पावर मिलती है, यानी कि रोटर पावर आउटपुट बराबर क्या होता है रोटर का पावर इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉस। अब आपको पता है रोटर
पावर इनपुट तो अपनी जगह ठीक है, माइनस रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस। तो रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, एस इंटू रोटर पावर इनपुट। तो इन दोनों में से हमने क्या किया है, रोटर पावर इनपुट को बाहर लिया तो क्या बच गया, वन माइनस एस, ये हमारा हो गया रोटर पावर आउटपुट। रोटर का जो पावर आउटपुट है, रोटर का जो पावर आउटपुट है बराबर था रोटर का पावर इनपुट, रोटर का पावर इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉस। तो रोटर पावर इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस एस इंटू रोटर पावर इनपुट। हमने यहां से रोटर पावर इनपुट क्या ले लिया बाहर, तो यहां क्या बच गया, वन माइनस एस। तो हम क्या कह सकते हैं, रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस अपोन में अगर हम रोटर पावर आउटपुट लिखे तो क्या होगा, रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, एस इंटू रोटर पावर इनपुट अपोन में क्या है, रोटर पावर आउटपुट क्या है, ये है आपका वन माइनस एस और रोटर पावर इनपुट। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। तो रोटर कॉपर लॉस अपॉन रोटर पावर आउटपुट इक्वल टू क्या हो गया, एस अपॉन वन माइनस एस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, डन और नो डन, यस। चलिए, तो अगर हमें एक फॉर्मूला कई बार एग्जाम में आया है कि रोटर पावर इनपुट, अगर इसका हम रेशियो देखें रोटर कॉपर लॉस से और रोटर पावर आउटपुट से, तो देखो हम रोटर पावर इनपुट के स्थान पर तो रोटर पावर इनपुट ही लिख रहे हैं रेशियो। ये जो रोटर कॉपर लॉस है, रोटर कॉपर लॉस है, इसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं, एस इंटू रोटर पावर इनपुट। तो हमने लिख दिया यहां एस इंटू क्या लिख दिया, रोटर पावर इनपुट। और ये देखो जो रोटर पावर आउटपुट है, रोटर पावर आउटपुट है, उसको हम क्या लिखते हैं, वन माइनस एस और रोटर पावर इनपुट, वन माइनस एस और रोटर पावर इनपुट। तो रोटर पावर इनपुट, रोटर पावर इनपुट, रोटर पावर इनपुट कैंसिल, तो ये हो गया वन और एस और आपका क्या हो गया, वन माइनस एस। चलिए अब हम इसको कंक्लूजन में लिखेंगे, यस। चलिए तो ये इसका कंक्लूजन है, हम इसे नट सेल में कह सकते हैं। रोटर में आयरन लॉस वेरी लो होते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं जी। रोटर में आयरन लॉस तो होते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि रोटर की फ्रीक्वेंसी लो होती है, ये हम कर चुके हैं बात। और रोटर की फ्रीक्वेंसी एस और एफ, तो रोटर में आयरन लॉस तो नहीं होता, लेकिन रोटर में वाइंडिंग तो होती है, उसमें कौन सा लॉस होता है, कॉपर लॉस। तो यस, तो रोटर का पावर इनपुट और रोटर का पावर आउटपुट, रोटर का पावर इनपुट और रोटर के पावर आउटपुट में जो फर्क है, रोटर का सिलोट और सिलोट के अंदर वाइंडिंग जो कॉपर की है और उसमें होने वाला लॉस कौन सा है, कॉपर लॉस। तो रोटर कॉपर लॉस होगा रोटर पावर इनपुट माइनस रोटर पावर आउटपुट। अभी हमने जब सोल्व किया था तो फाइनल हमारा रोटर में होने वाला कॉपर लॉस है वो आ गया था एस इंटू रोटर पावर इनपुट। यही इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आएगा कि रोटर कॉपर लॉस बराबर एस इंटू रोटर पावर इनपुट। हमने अभी आपको बताया कि अगर स्लिप की वैल्यू आप 0.04 मान लें और रोटर पावर इनपुट अगर आप 600 मान लें तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आपका वाट। अभी हमने सोल्व किया था रोटर का पावर आउटपुट बराबर होता है रोटर का पावर इनपुट और वन माइनस एस, अभी हमने सोल्व किया था। तो हमने वापस माना स्लिप की वैल्यू 0.04 और रोटर पावर इनपुट 600, तो 600 के स्थान पर 600, जब 1 में से 0.04 जाएगा तो 0.96 और सोल्व करेंगे तो 576 वाट आएगा। और ओबीएस की बात है, रोटर पावर आउटपुट क्या होता है, रोटर पावर इनपुट में से आप कॉपर लॉस माइनस कर दे तो आपका 576 वाट ही आएगा। अब देखो रोटर कॉपर लॉस और रोटर पावर आउटपुट, तो रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, एस इंटू रोटर पावर इनपुट, और रोटर पावर आउटपुट क्या होता है, वन माइनस एस इंटू रोटर पावर इनपुट, इन दोनों से कैंसिल, तो एस अपॉन वन माइनस एस यानी स्लिप अपॉन वन माइनस एस, तो ये होगा रोटर कॉपर लॉस अपॉन रोटर पावर आउटपुट। अब देखो रोटर पावर इनपुट, रोटर कॉपर लॉस और रोटर पावर आउटपुट, तो रोटर पावर इनपुट के स्थान पर रोटर पावर इनपुट, रोटर कॉपर लॉस स्थान पर एस इंटू रोटर पावर इनपुट और रोटर पावर आउटपुट के स्थान पर रोटर, तो रोटर पावर इनपुट, रोटर पावर इनपुट, रोटर पावर इनपुट कैंसिल, वन एस स्लिप और वन माइनस एस, ये हमारा रोटर कॉपर लॉस फिनिश हो गया। ये हल्की हल्की बातें हमने बताई, आज हमने दो वीडियो बनाई, एक में हमने कहा कि रोटर में आयरन लॉस नहीं होता और दूसरे में हमने रोटर कॉपर लॉस के बारे में हल्की हल्की बातें आपको बताई, यस डन।